स्वागत है आप सभी का मेरे नए ब्लॉग में। जय माता दी। सुप्रभात सभी को। और एक बार फिर से आप सबको झाक हमने की ओर से दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सुबह का छोटा मोटा काम तो मेरा हो गया है। जैसे मैं ये दो बेडशीट मंगाई थी दिवाली के लिए, तो एक तो इस रूम में डाल दी हूँ और एक बच्चों वाले रूम में बिछा दी हूँ मैं। तो चलिए, अच्छा तो लग रहा देखने में, सही है। और कॉटन भी है, सबसे अच्छी चीज़ है जो प्योर कॉटन है ये। और बच्चे नहा लिए हैं, शशि के पापा भी नहा लिए हैं। और मैं जा रही हूँ अब घर का काम करने के लिए। ये लोग मार्केट निकल जाए, इन लोगों को मार्केट निकलना, क्योंकि बच्चों के लिए फटाका मिठाई ये सब लाना है। तो बच्चे ये लोग मार्केट निकल जाए, उसके बाद मैं घर के काम में लग जाऊँगी। घर का काम सिर्फ झाड़ू लगा पोछा लगाना है, और ये लोग नहा के आए हैं तो वो कपड़ा धोना है। और मोटे मोटे जो कपड़ा है उसको मैं आज छोड़ देती हूँ, वो मशीन मैं नहीं लगाऊंगी, अब कल देखूंगी, लगा दूंगी कल लगा दूंगी। तो चलिए, इन लोगों को मैं पहले मार्केट के लिए विदा कर दूँ, उसके बाद घर के काम में लगाऊँ। और बच्चों के कमरे के लिए भी देखिए, मैं ये वाला चादर मंगवाई थी, दो मंगवाई थी बच्चों का कमरा क्या अपना घर दो मंगवाई थी। तो बच्चों को थोड़ा डार्क कलर पसंद आता है, तो उन्होंने बोला था ये वाला मंगवा देने के लिए, तो ये मंगवाई थी। डुबो गया वो अपना टेडी को वहाँ पे लेटा के, कह रहा मम्मा वो मेरा टेडी वहीं पे लेटा रहेगा, उसको धूप लगेगी वहाँ पे, ठंड नहीं लगेगी। चलिए, तो ये भी चादर अच्छा लग रहा है, ये भी कॉटन है, उससे थोड़ा इसका फैब्रिक मोटा है। और देखिए, धूप तो अभी आई नहीं है नीचे, पूरा इधर छाया छाया है। तो अभी तो 10:15 हुआ है, अभी 2 घंटा लगेगा धूप आने में। और मैं भी तैयार होके फिर बच्चों में केवल शशि को लेके जा रहा हूँ, चूँकि हर्ष तो जाएगा नहीं, उसकी उंगली फ्रैक्चर है। तो मैं चल रहा हूँ, थोड़ा मार्केट का काम है तो वहाँ जा रहे हैं, फिर जल्दी से जाएंगे, जल्दी आएंगे। मैं और शशि बाज़ार के लिए आ गए हैं, तो यहाँ से ATM से पैसा निकालें कुछ, उसके बाद निकलना है आगे रोहरू मार्केट। चलिए अब चलते हैं जल्दी से आगे, यहाँ विशाल मेगामार्ट में यहीं से चलो, विशाल मेगामार्ट से वापस बाज़ार के लिए जा रहे हैं। उसमें केवल सोन पापड़ी मिला, सारा खत्म हो गया था मिठाई, पहले ही लोग लेते हैं ना, यहाँ ऑफर में था, तो मार्केट से ही लेंगे। ये तो आ गए मार्केट से, काफी टाइम लग गया क्योंकि आज दिवाली भी है ना, तो काफी बहुत भीड़ थी बहुत जगह। हाँ, तो यहाँ बच्चों के लिए ये पटाखे लेके आए हैं, फुलझड़िया आइटम है। हाँ, अब वो आवाज वाला बहुत कम मंगाती हूँ, आवाज वाला 30 बार एक भी नहीं है। और ये रंगोली के लिए लेके आए हैं दोनों मिलके, रंगोली के अपना बना लेगा, सेलेक्ट करके रखा है अपना बनाएगा। और इधर मैं मंगा रही हूँ प्रसाद के लिए मिठाई और फल है ये सब, और धूपबत्ती अगरबत्ती और दिया भी मैं लेके नहीं आई थी, तो क्योंकि उस दिन आगे मार्केट गई नहीं थी मैं, तो ये अभी दिया भी लेके आए, जिसको मुझे पहले पानी में देना होगा। बहुत ही सुंदर दिया है, 60 का दर्जन है, जो 50 का जोड़ कर देता हूँ 40 का मिला है, 3 दर्जन दिया है। तो इसको पहले तो पानी में दे देती हूँ, और कुछ राशन भी मंगाना था, सब्जी उब्जी मंगानी थी, तो ये राशन सब्जी सब मंगा लेके आया। आंवला मिल गया, आंवला मिल गया, तो ये आंवला तो चलिए आज भी चटनी बना दूंगी, और ये रख दूंगी इसमें से एक या दो, इसको जिमीकंद का नहीं ना खाना है, नहीं इसमें से एक दो और रख दूंगी आंवला, देवोत्थान एकादशी के लिए, देवोत्थान एकादशी के लिए, तो उसके लिए भी रख दूंगी। धनिया पत्ता मिल गया, गोरखा सब 10 का बंडल, पापड़ नहीं मिलता था ये वाला, इनको मिल गया शायद बाय बाय में मिला होगा। यहाँ मिला था उससे, तो ये पापड़ मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही पसंद आता है। ये धनिया दुकान में लिए, कहीं नहीं देखे, एक जगह देखे 20 का गड्डी दिया है पतला, फिर इधर पुल के पास 10 का ही गड्डी दे रहा था गोरखा, तो फिर 2 गड्डी उससे भी ले लिए। तो चलो सब्जी चटनी इसमें काम देगा। उधर आलू, ये बेसन मंगाई हूँ मैं 1 kg इस बार, क्योंकि अभी तो पकौड़े पकौड़े बनाए, इतना त्योहार है, तो इसीलिए मैं बोली नहीं आ रहा किसी नहीं, इसमें मैंने 1 kg ले लीजिए। ठंड में हम लोग थोड़ा कढ़ी नहीं उतना खाते हैं, तो गर्मी में कढ़ी खाते हैं, पर ठंड में फिर पकौड़ा का हो जाता है, पकौड़ा खाने का। तो चलिए मैं पहले दिया को, सबसे पहले मैं दिया पानी में डालूं, ये थोड़ा देर वो भीग जाएगा ना, और सब्जी में जो बॉयल करना है ना उसको भी दे दें, क्योंकि 2:30 बज गया, क्योंकि आपके
समय भी ढाई बजे, मुझे भी ड्यूटी जाना है ना मुझे। चलिए, और वो जो दिया मंगाए थे पिछले बार और इस साल, उससे साफ हो गया? सब कुछ साफ करके रखे, सिर्फ बाती लगाना है। बस सब तेल बाती डाल के रख दीजिए। लाइट देखते हैं, कोशिश करते हैं, तो उखड़ गया, जलेगी, कहीं नहीं मिला लाइट ठीक करने वाला। चलिए करते हैं। तो इधर खाना बनाने वाला गई है, पानी है उसका, पानी खोल के। अरे वैसे ना बाहर में रखने दीजिए, हवा में पहले यहाँ निकाल के, पानी पानी हो जाएगा तो फिर जलेगी नहीं। और बच्चे सब लग गए हैं रंगोली बनाने में, दोनों भाई बहुत घाव बचा के, ठीक है। और मैं जा रहा हूँ अपनी ड्यूटी, चूँकि 3 बज रही है तो मोबाइल बच्चों के पास रहेगा। देखिए हमारा रंगोली, और ये अभी इसमें बहुत काम करना बाकी है, अभी तो स्टार्ट ही किया है इसको। और अभी इधर मैं थोड़ा दिए सब में जोत और तेल डाल लेती हूँ, क्योंकि फिर अकेले में थोड़ा लेट भी हो जाता है ना, तो इसीलिए, क्योंकि शाम तुरंत हो जाती है, शाम 4 बजता नहीं है, 4:30 और शाम तुरंत हो जाती है। चलिए मैं इधर तब तक इंतजाम कर लेती हूँ, क्योंकि अभी इस इन सब में दिए मैं तेल आबाद जोत में डाल दी हूँ, और अब मट्टी वाले में रह गया, तो मट्टी वाले में मैं भी डाल देती हूँ। इसमें मैं डाल देती हूँ लंबी वाली बाती। अब 90% हम लोग काम हो गया। और खाना भी मेरा लगभग बन गया है। इधर मैं दाल बना ली हूँ, दाल में दाल भी बन गई है मुझे मेरी, क्योंकि इसमें मैं अभी धनिया पत्ता डाली हूँ, और जिमीकंद की चटनी बन गई है, और आंवला लाए थे ये, तो आंवला धनिया पत्ता की चटनी भी बना ली हूँ, और सब्जी भी बन गई है, लगभग सब्जी बन गई है। इधर मैं चाय भी चढ़ा दी हूँ, और ये देखिए आलू परवल की भुजिया बन गई है। बनाती तो मैं और भी सब्जियों, जैसे आलू बैंगन की सब्जी बना लेती हूँ, और किसी चीज़ की सब्जी बना लेती हूँ, पनीर की सब्जी बना लेती हूँ, पर क्या होता है पूरे दिन तो ब्रेथ में रहते हैं, फिर शाम में सब मिठाई खा लेते हैं ना, तो कोई इतना खाना नहीं खाना चाहता है, तो इसलिए आज इस बार मैं सोची थोड़ा कम ही बनाऊँ। फिर भाई दूज 2 दिन के बाद तो फिर भाई दूज होने वाला है, तो भाई दूज के दिन बना लूँगी। अब खाने में मुझे सिर्फ चावल और पकौड़ा बनाना है, तो क्योंकि अब शाम भी होते जा रही है, तो शाम पर झाड़ू पोछा भी करना है, सब कुछ करना, अकेले में बहुत दिक्कत हो जाती है, ये भी काम करो वो भी काम करो, तो इसीलिए चलिए जो करना है पूजा है तो करना तो पड़ेगा ही। मैं इधर का आप किचन का काम निपटा के और झाड़ू पोछा कर लेती हूँ शाम का। तो पापा यहाँ पूजा प्लांट में ही कर रहे हैं, क्योंकि अभी उन्हीं की शिफ्ट लगी है, 8 बजे तक पापा यहीं रहेंगे, तो 8 बजे के बाद तो जब पापा ऊपर आएंगे तब वो ऊपर पूजा करेंगे। अब आप तेज है ना, चलने देते हैं। यहाँ पे मैं पूजा भी शुरू कर रही हूँ, स्नान करके मैं आ गई हूँ नहा के, वैसे तो सुबह भी मैं नहाई थी, पर अभी स्नान करके फिर से पूजा कर ले रही हूँ। मुझे तो मेरा हो गया, तो सब भोग लगाना रह गया, और ये तो इसलिए तुलसी के पत्ते से भोगने लगता है। और देखिए कितना अच्छा लग रहा है दिया जलते हुए सारे।
अब हम लोग आरती करने जा रहे हैं। जय गणेश जय गणेश जय गणेश हर विष्णु विधाता जय लक्ष्मी माता सूर्य चंद्रमा ध्यावत सूर्य चंद्रमा ध्यावत नारद ऋषि माता जय लक्ष्मी माता। पूजा तो हो गया, संपन्न हो गया हमारा, और जितना समझ में आता उतना कर लेती हूँ मैं, और बाल माँ के चलिए लक्ष्मी माँ सब पे अपनी कृपा बनाए रखे। और बच्चे इधर 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 देखो, पूजन करने के बाद पटाखे छुड़ा रहे हैं, हो रहे हैं अभी फुलझड़ी ऊपर की तरह, ऊपर की तरफ किया जाता है। कम छुटता है और इधर खाना भी बना रही हूँ मैं। तो मैं इधर पकौड़ा बना रही हूँ, गोभी का तो बना ली, आलू का बना रही हूँ, उसके बाद सबका खाना निकाल दूँ क्योंकि बच्चे अभी बाहर में फटाका छोड़ा रहे हैं। हाँ फटाका छोड़ रहे हैं, तो अभी मिठाई भी खाए ना, मीठा मीठा खा लिए तो फिर मन भी नहीं कर रहा उनको अभी खाने का। मैं तब तक पकौड़ा ही बना लेती हूँ, चलिए इधर पकौड़ा बनाने के बाद सबको खाना निकाल दूंगी। और एक बार फिर से आप सभी को झा फैमिली की तरफ से दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आज का वीडियो में मैं यहीं पे खत्म करती हूँ। मिलती हूँ आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी।